तो ये है फ्रेंड्स, मैं देख जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस पॉट से अपने प्लांट को निकाल ली हूँ और इसमें सॉइल मिक्स मैं डाल दी हूँ अपने पॉट में, और मैं इसको अब लगाने जा रही हूँ। तो देखें फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी को मैं 70% तक निकाल दी हूँ और फ्रेश मिट्टी इसमें डाल के अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तब इसको चारों तरफ से खूब अच्छे से मिट्टी डाल दूंगी। ये मेरा पॉटी मिक्स सॉइल है फ्रेंड्स, मैं सब मिला के रखती हूँ। और अभी जो इस पॉट से निकला है मिट्टी, उसको मैं फेंकी नहीं हूँ, मैं इसी में खाद मिला के थोड़ा कोकोपीट, थोड़ा सा काउडन था वो, और पहले के मिला हुआ खाद था वो मिला करके मैं इसको डाली हूँ। और बाद में जब खाद रहेगा तो और सब मैं डाल दूँगी इसमें, लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं यही डाल पाई हूँ फ्रेंड्स। सुबह का टाइम है, मैं अभी छत पे आई थी टहलने, तो मैं ये देखी हूँ तो कहीं क्यों नहीं इसको रिपोर्ट कर दिया जाए, चूँकि इन दिनों काफ़ी गर्मी पड़ रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से प्लांट सूख जाएगा और इस तरह से धीरे धीरे चारों तरफ से फिल करेंगे कि कहीं से खाली ना रह जाए, मिट्टी अच्छे से फिल हो जाए मेरे हर जड़ों के पास। हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए मिट्टी को अच्छे से बैठा देंगे। एक हाथ में फ्रेंड्स मेरे पास कैमरा है मोबाइल, और दूसरे हाथ से मैं कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस है। कोई बात नहीं, आप सब लोग मेरे फ्रेंड्स हो, कमी को समझ सकते हो कि गार्डन लवर कितना प्रेमी होता है अपने प्लांट से, उसकी तकलीफ़ को थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और यही आज मेरे साथ हुआ है, मैं सोची जो ऊपर है उसी से मैं अभी इनको लगा दे रही हूँ, और फिर जब मैं नीचे जाऊंगी तो जो कमियां होगा इसमें मैं डाल दूंगी लिक्विड फर्टिलाइज़र करके। इस तरह से फ्रेंड्स मेरा प्लांट अच्छे से लगे। अभी मैं पूरा भर दे रही हूँ क्योंकि पानी पड़ने पे सॉइल और बैठेगा फ्रेंड्स। ये मेरा बहुत ही अच्छा बोगनवेलिया है, वाइट और सफ़ेद पिंक का कॉम्बिनेशन है जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें दोनों तरह का मिलके फ्लावर आता है, आप एक नज़र देखें तो ये। और ये मेरा 20 साल पुराना बोनसाई है, मेरे गार्डन में ये 20 साल से चल रहे हैं। इस तरह से मैं इनको अच्छे से लगा दी हूँ, अब इसमें वाटरिंग कर देंगे फ्रेंड्स, जब तक कि ये धीरे धीरे करके, जब तक कि ड्रेनिंग होल से पानी निकलने ना लगे तब तक इसको धीरे धीरे करके पानी डालते रहेंगे। और इसको 3-4 दिन थोड़ा सेमी शेड में रखेंगे ताकि प्लांट सूख में है अभी, और उसके बाद फिर सेमी शेड में रखेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोगनवेलिया तो सनलवर प्लांट है, इनको फ्लावरिंग के लिए अच्छा धूप चाहिए। मैं अभी अपने बोगनवेलिया गार्डन में बैठी हूँ फ्रेंड्स, अभी सारे फूल झड़े हैं और फिर दूसरा लेने की तैयारी कर रहे हैं। हवा बहुत तेज़ था तो फ्लावर बहुत तेज़ से सब हवा के झोंके से ख़त्म भी हुआ है, लेकिन दोबारा और फिर होने जा रहा है फ्रेंड्स। तो यही था मेरा आज का बोगनवेलिया रिपोर्टिंग का वीडियो। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।